एसटीटीबी स्टूडेंट्स एम रुबीना फ्रॉम एसटीटीबी एनएच 9 डिंग रोड सिरसा। स्टूडेंट्स आज हम रिवाइज करेंगे यूनिट 4। ये स्टूडेंट्स एल्गा 3 में हम रिवाइज करेंगे यूनिट 4 की हमारी वर्कशीट नंबर 4 वोकैबुलरी वर्ड्स। सर्कल द पिक्चर डेट मैचेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है वोकैबुलरी वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मीन क्या होता है सुंदर। ब्यूटीफुल इंडिया, तो हमें यहाँ पर देखो अंडरलाइन कौन सा वर्ड किया हुआ है ब्यूटीफुल। यहाँ पर टू ड्रेसेस दे रखी है, एक देखो ब्यूटीफुल है एक डर्टी है, तो हमें ब्यूटीफुल वर्ड है जो अंडरलाइन किया गया है, तो हम ब्यूटीफुल जैसे ये फ्रॉक है ब्यूटीफुल, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे सर्कल, मीन्स हमें पिक्चर्स के ऊपर सर्कल करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज प्रिया वेंट ऑन अ होलीडे टू इंडिया। पिक्चर में देखो होलीडे मीन्स जो प्रिया है होलीडे पर कहाँ जा रही है इंडिया में, तो ये देखो पिक्चर में दिया हुआ है ना गाड़ी पर जा रही है प्रिया होलीडे टू इंडिया, तो हम इस पिक्चर के ऊपर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी वेंट टू सो मैनी प्लेसेस। मैनी का मीन क्या होता है बहुत, मीन बहुत सारे। शी वेंट टू सो मैनी प्लेसेस, तो यहाँ पर पिक्चर्स है एक तो है वन एप्पल, एक है मैनी मीन्स बहुत सारे एप्पल्स, तो हमें वर्ड सेंटेंस में अंडरलाइन किया गया है मैनी, तो हमने देखना है पिक्चर में मैनी कहाँ शोर है यहाँ, तो हम इसके ऊपर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एडवर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। हमें क्या करना है नीचे हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं और जहाँ ब्लैंक है हमें देखते हुए सेंटेंस की सेंस को देखते हुए मतलब कौन सा यहाँ पर एडवर्ब करेक्ट है वो हमें यहाँ फिल करना है। फर्स्ट है द टर्टल वॉक्स स्लोली फास्ट। ये हमें पता है कि टर्टल मीन्स कछुआ क्या करता है धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर स्लोली वर्ड है जो क्या है करेक्ट है। द टर्टल वॉक स्लोली, तो यहाँ पर हमने स्लोली राइट कर दिया। नेक्स्ट है द डॉग बार्क्ड डैश। द डॉग बार्क्ड डैश लाउडली फास्ट। जो कुत्ता है वो मीन्स भोंकता है मीन्स लाउडली मीन तेज, तो यहाँ पर हम लाउडली वर्ड राइट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉय कैन रन डैश फास्ट स्लोली। यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है कि जो बॉय है द बॉय कैन रन मीन्स फास्ट मीन्स जल्दी दौड़ रहा है, द बॉय कैन रन फास्ट, तो यहाँ पर जो फास्ट वर्ड है वो क्या है करेक्ट, तो यहाँ पर हम फास्ट राइट करेंगे। नेक्स्ट है आई एट माई फूड डैश लाउडली क्विकली मीन्स जो मैं अपना खाना है कैसे खाता हूँ मीन्स जल्दी या लाउडली, तो यहाँ पर क्विकली वर्ड करेक्ट है, यहाँ पर हम क्विकली राइट करेंगे। आई एट माई फूड क्विकली मीन्स जल्दी। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल इंडिया। ब्यूटीफुल का मीन क्या होता है सुंदर, इंडिया भारत, सुंदर भारत। ब्यूटीफुल इंडिया स्टोरी हमने एसआर जो हमारी बुक है उसमें रीड की थी स्टूडेंट्स, उसी से रिलेटेड ये क्या है क्वेश्चन, लेट्स सी। टिक द करेक्ट आंसर, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है जो हमें आंसर करेक्ट लगता है हमें उसके ऊपर टिक करना है। वेयर डिड प्रिया गो फर्स्ट गेटवे ऑफ इंडिया ब्रैडफोर्ड मीन्स। Where did Priya go first? Means हमने जो beautiful India story read की थी तो उसमें हमने देखा था जो first time में Priya कहाँ गई थी Bradford. Where did Priya go last? Means Priya last में कहाँ गई थी हवा महल या डल लेक, तो डल लेक गई थी Priya, हम डल लेक पर टिक करेंगे। Next है fill in the blanks using your own word. Where will you go for a holiday with your family? I will go to Kashmir for a holiday with my family. Means मैं कश्मीर गया अपनी फैमिली के साथ with my family. Next is circle the picture that matches the meaning of underlined word. First है
द गर्ल लुक सैड, सामने पिक्चर को देखते हुए और सेंटेंस को देखते हुए जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड, उस पिक्चर के ऊपर हमें क्या करना है, सर्कल। द गर्ल लुक सैड मीन्स इन दोनों पिक्चर्स में सैड कहाँ दिखाई दे रही है, गर्ल, लाइक दिस, तो हम इसके ऊपर सर्कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द गर्ल कैन रन फास्ट। पिक्चर में देखो अंडरलाइन किया हुआ है फास्ट वर्ड, तो पिक्चर में फास्ट, ये देखो ये गर्ल दौड़ रही है फास्ट, तो हम इसके ऊपर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है दिस इज माई स्कूल बिल्डिंग, तो यहाँ पर बिल्डिंग वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, तो बिल्डिंग देखो स्कूल की कौन सी है, ये, तो हम इसके ऊपर सर्कल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने वर्कशीट नंबर यूनिट 4 की 4 एंड 5 अच्छे से रिवाइज करनी है।